The Dawn Express. Aina Sashka. मैं जगदीश तिवारी, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। हर साल आज 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने साल 2018 में शुरू किया था। इस दिन को सेलिब्रेट करने का मुख्य उद्देश्य लोगों का ध्यान सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की ओर खींचना है। दरअसल कई लोग खराब भोजन खाने की वजह से गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में लोगों का खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की शुरुआत की गई। भारत शनिवार को ही स्पेन को पीछे छोड़कर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित दुनिया का 5वां देश बन गया है। पिछले 24 घंटों से भी कम समय में भारत इस महामारी के मामलों की संख्या की दृष्टि से इटली और स्पेन से आगे निकल गया है। अब अमेरिका, ब्राजील, रूस और ब्रिटेन ही इस मामले में उससे आगे हैं। वहीं अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना महामारी के दौर में भी कुछ प्राइवेट अस्पतालों को कोविड-19 बेड की ब्लैक मार्केटिंग करने पर सख्त नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। श्री केजरीवाल ने शनिवार को यहां डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार के आदेशों के बावजूद कुछ निजी अस्पताल अपने आकाओं के इशारे पर मनमानी कर रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सभी निजी अस्पतालों को अपने यहाँ 20% बेड कोरोना के मरीजों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है और ऐसा नहीं करेंगे उनके लिए अस्पताल को पूरी तरह कोरोना के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंगलवार को एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसके तहत अस्पताल में खाली बेड की जानकारी मिलने लगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ प्राइवेट अस्पताल पहले बेड होने से इनकार कर रहे हैं और बाद में मोटी रकम लेकर बेड की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। अब हम दिल्ली के अंदर चल रही अस्पतालों की ब्लैक मार्केटिंग को बंद कराएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें हर हाल में कोरोना मरीजों का इलाज करना ही पड़ेगा और यदि ये नहीं मानते हैं तो सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चंद लोगों ने मिलकर माफिया बनाया हुआ था, इसको तोड़ने में थोड़ा समय लग रहा है। ऐसे चंद लोग एकदम से प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ऐसे दिल्ली के चंद अस्पताल काफ़ी पावरफुल हो गए हैं, उनकी अन्य पार्टियों के अंदर पहुंच है और ऊपर तक पहुंच है। इन चंद अस्पतालों ने धमकी दी है कि हम कोरोना के मरीज को नहीं लेंगे, जो करना है कर लो। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसे अस्पतालों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना के मरीज लेने ही पड़ेंगे, आप लोगों को दिल्ली में पैसा कमाने के लिए अस्पताल नहीं बनवाया था, आपका अस्पताल इसलिए बनवाया था कि आप दिल्ली के लोगों की सेवा करें, ऐसी महामारी के दौर में लोगों की सेवा करें। अधिकतर अस्पताल सेवा कर रहे हैं और उनका सकारात्मक व्यवहार है, सिर्फ 2-4 अस्पताल इस गुमान में हैं कि वो दूसरी पार्टी में बैठे अपने अकाउंट के जरिए कुछ करवा लेंगे और वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग कर लेंगे। इसी बीच दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। यह FIR दिल्ली सरकार ने दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि गंगाराम हॉस्पिटल टेस्टिंग के नियमों का उल्लंघन कर रहा था। इस बारे में दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम के उल्लंघन के लिए FIR लिखी गई है। अस्पताल को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार पालन करना और सिर्फ RT-PCR ऐप के जरिए सैंपल लेना जरूरी था, लेकिन गंगाराम ने सैंपल लेने के लिए RT-PCR का इस्तेमाल नहीं किया। गंगाराम के खिलाफ IPC की धारा 188 के अंतर्गत FIR दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल कालाबाजारी न कर सके इसके लिए भी दिल्ली सरकार ने कोरोना का ऐप लॉन्च किया, जिसके मरीज दिल्ली के हॉस्पिटल में बेड कहां खाली हैं ये देखकर एडमिट हो सकते हैं। और हर छोटे बड़े और प्राइवेट अस्पताल को ये कड़े आदेश दिए हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार ही काम करें और मरीज एडमिट करें, ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के मद्देनजर अस्पतालों को दिशा निर्देश दिया है कि वे कम से कम 3 महीने के लिए पर्याप्त संख्या में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, किट और ऑक्सीजन मास्क जैसे चिकित्सीय उपकरण खरीद कर रखें। दिल्ली स्वास्थ्य सचिव पद्मिनी सिंगला ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा कि दिल्ली में पिछले 1 सप्ताह में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी आई है, जिसके कारण अस्पतालों में बिस्तरों, सर्जिकल उपकरणों और बुनियादी ढांचे से जुड़ी वस्तुओं की मांग बढ़ी है।
वहीं अगली खबर, नोएडा गाजियाबाद के 8 अस्पतालों में एक बीमार गर्भवती 14 घंटे तक इलाज के लिए भटकती रही गर्भवती महिला की पीड़ा का अंत तब हुआ जब शुक्रवार रात एम्बुलेंस में ही उसकी जान चली गई। उसके साथ ही उस मासूम की भी जान चली गई जिसने अभी दुनिया देखी ही नहीं थी। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है, सीएमओ और डीएम इसकी जांच करेंगे और दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगली खबर, कोविड महामारी मध्य सितंबर के आसपास भारत में खत्म हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के 2 जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने यह दावा किया है, जिन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए गणितीय प्रारूप पर आधारित विश्लेषण का सहारा लिया है। वहीं अगली खबर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात इंस्पेक्टर विशाल खमवालकर की शनिवार दोपहर संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। इंस्पेक्टर विशाल की लाश दिल्ली के रामपुरा इलाके में एक दुकान के बाहर उनकी गाड़ी में मिली। शनिवार दोपहर 4 बजे किसी ने गाड़ी के अंदर एक शख्स को निढाल देखा तो इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने तुरंत विशाल खमवालकर को पास के अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच के दौरान बॉडी की पहचान दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर विशाल खमवालकर के तौर पर हुई। विशाल घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर शालीमार बाग इलाके में रहते थे। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को बॉडी के ऊपर किसी तरह की कोई चोट के निशान नहीं मिले। यही वजह है कि पुलिस को शुरुआती तफ्तीश के दौरान किसी वारदात के सबूत नहीं मिले हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। इंस्पेक्टर विशाल दिल्ली दंगों की जांच में शामिल थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक एसीपी रैंक के अधिकारी दंगों की साजिश की जांच कर रहे हैं। इंस्पेक्टर विशाल भी उस टीम का हिस्सा थे। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट में दिल्ली दंगों को लेकर कई चार्जशीट फाइल की हैं। वहीं अगली खबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने पहले की स्थिति में बदलाव करते हुए कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं। इसके मुताबिक अब सभी को पब्लिक में जाते वक्त 3 लेयर वाला फैब्रिक मास्क या नॉन मेडिकल मास्क पहनना होगा। जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और किसी तरह की अन्य बीमारी से ग्रसित हैं तो ऐसे लोग उन जगहों पर जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना संभव नहीं है मेडिकल मास्क पहन सकते हैं। इसके अलावा बाकी के अन्य लोगों को 3 लेयर फैब्रिक मास्क का इस्तेमाल करने को ही कहा गया है, क्योंकि इसमें कम से कम अलग अलग मटेरियल की 3 लेयर्स होती हैं। ये मास्क संक्रमण बीमारी होने से बचाता है। WHO ने कहा है कि सरकार को लोगों को उन जगहों पर मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना चाहिए जहां महामारी बड़े स्तर पर फैल रही है। साभार, डेली हंट एंड डेली होम, धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।